आवाज आ रही? आ रही है बोले। हाँ दादा, आज की युवा पीढ़ी तो वैसे इतनी जागरूक है कि सब मैनेज कर लेती है, और पहले तो हमारे कोई सब पेंसिल नहीं, आज का तो मोबाइल पे सभी की पढ़ाई हो जाती है। मेरे भी बस युवा साथियों से यही है, पूरी थोड़ी सी प्लानिंग करके किस समय कितने क्या पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा जैसे अनुभव भी लेते रहे। जैसे आपने जैसे ये युवा चौपाल चलती है इस टाइप से, और भी किसी को ग्रुप में कोई सा भी इस टाइप से है तो वो भले ये बोले पर कम से कम सुने, ताकि 10 लोगों को अपने को सुनने का मौका मिलता है, और उनके क्या विचार है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा वो नया कुछ सीखने को मिलता है। तो एक तो ये, और दूसरा मोबाइल में भले अगर पढ़ाई से संबंधित आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो तो सुने, वरना मोबाइल में जो फालतू के बहुत चलती रहती, ये कम से कम करें, कम से कम देखें, और पूरी एक पूरी दिनचर्या बना लें कब पढ़ना है कब क्या है। पहले दादा आपको बात नहीं माना, पहले जब मैं था जब तो हमारे उस समय कोई दिनचर्या नहीं रहती थी, कोई पढ़ेगा कोई टाइम नहीं। ये तो युवा में आने के बाद एक दिनचर्या बनी, मतलब युवा में आने के बाद कि हाँ भाई सुबह इतनी बजे क्लास, दादा तो की क्लास तो कभी कभी रात को भी रहती थी, वो भी अटेंड करते थे। उसके बाद से फिर रूटीन बना कि हाँ भाई सुबह 2 घंटे पढ़ना, दिन में 3 घंटे पढ़ना, शाम को रात को 3 घंटे पढ़ना। तो एक थोड़ी सी ये प्लानिंग कर लें कि कब पढ़ाई करना है कितनी, बस ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैंने मेरे एक थोड़ी आदत थी कि जो मुझे आता था वो मैंने कभी भी उसको और सीखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में धारणा थी कि अपने को पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, तो उसको और ज्यादा याद रखने से क्या मतलब। आज भी मैंने कोई सोचा नहीं, एक उदाहरण दिया ये माउंट एवरेस्ट मतलब 8848, तो वो जो याद है उसको कभी याद नहीं किया। मैंने मेरी जो कमजोरियां थी वो मैं नोट डाउन करता था। मेरे जो उस समय के साथी थे, मैं बहुत अच्छी फैकल्टी थी, युवाओं की पूरी टीम, विलास वैष्णव सर, आतिश सर, एजाज सर, सैयद माहेश्वरी, दीपक सर, सब पढ़ाने आते थे दूर दूर से, राहुल सोनी सर उज्जैन सर पढ़ाने आते थे। तो सभी साथियों ने भाई मेरे को वही कहा कि जो आपको आता है वो आपको नहीं करना है। तो मैंने एक समय ऐसा आ गया था कि जब मैं तैयारी करते करते मैंने 1 लाख फैक्ट ऐसे लिख लिए थे, 1 लाख रोज क्वेश्चन पेपर लगाता, मान लो मेरे 200 में से 155 नंबर आते तो 45 पे ज्यादा फोकस करता, 155 आ गए उस पे दिमाग ही नहीं लगाता, जो मैं नहीं कर पाया उसको मैं लिखता। जनरल नॉलेज का प्रश्न था तो क्योंकि जनरल नॉलेज कितना भी पढ़ो कम पढ़ता था, तो वो मैं नोट कर लेता, और जब भी मुझे समय मिलता सबसे पहले जब भी पढ़ाई शुरू करता मैं वो जो मेरे अनक्लियर फैक्ट थे उनको पढ़ता। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे फैक्ट तैयार हो गए थे जो मेरे को मैथ में और रीजनिंग में मुझे कभी कमी कमजोरी नहीं रही। 50 में से 50 मैं रीजनिंग करता था, 50 में से 45 मैथ करता था। मेरी कमजोरी समाचार अंग्रेजी रही कि अंग्रेजी की वजह से मैं बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अब मीडियम इंग्लिश भी नहीं था, और पहले जब मैं पढ़ता था तो मेरे तो ABCD से सामना ही छठी में हुआ, मैंने पहली से पांचवी तक तो ABCD भी पता नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान था जितना भी आदरणीय पुरुषोत्तम के चौरसी सर की कोई भी क्लास में मिस नहीं करता था। जैसे ही चौरसी सर आते लगभग 75% बच्चे घर भग जाते, लेकिन जो चौरसी सर पढ़ाते वो आज तक नहीं भूल पाए, कुछ भी नहीं भूल पाए जो चौरसी सर ने एक बार पढ़ा दिया वो बिल्कुल जीवन में आत्मसात है। तो कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले साथी को उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उसे आती है, जो नहीं आती उस पर अपना समय थोड़ा खर्च करे और एकाग्रता से पढ़े, पुट योर 100%। मेरा एक स्वभाव है कि मैं जो भी काम करता हूँ, मान लो कोई गलत काम भी करता हूँ तो 100% लगा के करता हूँ, मेरा पूरा 100% देता हूँ। क्योंकि जब तक अपन मान लो मैं दादा की बात सुन रहा हूँ और अगर अपना 100% नहीं दे रहा हूँ तो मैं और कहीं दिमाग चला रहा हूँ, मैं और सोच रहा हूँ कि यार सुमन कर रहे बात कर लूँ या कर लूँ, तो दादा ने कोई महत्वपूर्ण बात की उससे भी अपना ध्यान चला जाता है। तो पुट योर 100%, मान लो अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपना 100% दे, अपन स्वास्थ्य के प्रति सजग है तो अपना 100% दे, तो उससे अपन जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय जी दादा, आदरणीय दादा जी दादा जी दादा आप बोलो।
मंत्री जी तो आखिर में ठीक रहता है यार, तो पूरा भेजे की छान बना देता है। अभी अच्छे सुझाव आए हैं और भाई कमलेश ने, भाई प्रवीण ने, और सुमन सर ने, धर्मेंद्र सर ने, और प्रांजल बहन ने अच्छे सुझाव दिए, और साथियों ने फिर से सुझाव दिए परीक्षा के लिए। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अब बच्चे कितना उस पर घर करते वो एक अलग बेटा है, लेकिन कहना हमारा धर्म है, वो हमें निभाना, और चाहे वो ग्रहण करे या ना करे, बच्चे कितना ग्रहण कर रहे हैं, हमारा बेटर नहीं सोचने का। कि सामान्यतः सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में जो लड़ाई है वो 2 से 3 नंबर की होती है बस, ज़्यादा नहीं। और मैं अपने कई लोग जो प्रीलिम में पास हो गए और मेन में रह गए, पिछले 2 साल में से 2500 बच्चे हैं कि जो रह गए प्रीलिम में पास होने।